कुछ ही घंटों बाद चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसी को लेकर देखिए मेरठ के कैलाश शिव मंदिर में जो महिलाएं हैं वो भजन कर रही हैं। अमूमन हर सोमवार को यहां पर आकर भजन तो करती हैं, लेकिन इस बार यहां पूजा अर्चना और भजन का खास महत्व इसलिए भी है कि यहां पर जो विशेष पूजा अर्चना की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है। इन्हीं महिलाओं से एक एक करके बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ, अमूमन तो आप यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास पूजा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने वाले हैं। कल हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें पक्का हो जाएगा कि मोदी जी आ रहे हैं, इसीलिए हम उनके लिए विशेषकर उन्होंने रामचंद्र जी को लेकर आए थे, तो रामचंद्र जी के दरबार में ये अर्जी भी लगा रहे हैं कि आप जैसे आए हैं वैसे मोदी जी भी हमारे यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो हम उसी के लिए भजन भजन सुना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे अयोध्या में राम जी आए थे वैसे हमारे यहाँ मोदी जी आएंगे, तो हम वही वाला भजन सुनाएंगे जो रामचंद्र जी के लिए हमने सुनाया। अयोध्या में आई बहार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में आई बहार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में मंदिर तैयार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में आई बहार, रामचंद्र राजा बने। मोदी जी भी आए हैं, योगी जी भी आए हैं। मोदी जी भी आए हैं, योगी जी भी आए हैं। आया है यूपी बिहार, रामचंद्र राजा बने। आया है यूपी बिहार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में आई बहार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में मंदिर तैयार, रामचंद्र राजा बने। हाथी भी सज गए, घोड़े भी सज गए। हाथी भी सज गए, घोड़े भी सज गए। सज गई मोटर कार, रामचंद्र राजा बने। सज गई मोटर कार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सज गई मोटर कार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अयोध्या में आई बहार, रामचंद्र राजा बने। अयोध्या में मंदिर तैयार, रामचंद्र राजा बने। अच्छा सर, देख रहे हैं कि आपको मतलब बहुत अच्छा आपने भजन गाया है, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप किस शक पे कह सकते हैं कि नहीं बनेंगे, बताइए आप बताइए। हमें तो पूरा विश्वास है कि वही बनेंगे, वही बनते आए हैं और वही बनेंगे। अच्छा सर, मुझे क्या लग रहा है कि वही बनेंगे, कोई और नहीं? हमें लग रहा है, हमेशा वही करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है। अच्छी अच्छी सड़कें, टोल प्लाजा वगैरह बनवाए हैं। मेरठ को देख के अच्छा लग रहा है, मतलब कितना साफ सुथरा हो गया है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मोदी जी आएंगे और महिलाएं भी सुरक्षित हैं उसमें, योगी और मोदी जी के उसमें, योगी और मोदी जी के उसमें, तो डेफिनेटली मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। मतलब इतना भरोसा है? भरोसा, बिल्कुल भरोसा। जैसे विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो होगा नहीं, इस बार तो हमारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए प्रार्थना किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कमल के फूल पे अपने राम जी को ही बैठा दिया, अरुण गोविल जी इसीलिए तो आए हैं, क्योंकि राम जी वहाँ पे अयोध्या जी में आ गए हैं, तो मंदिर में अरुण गोविल जी आ जाएंगे और वो तो आने ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई शक नहीं। क्या लग रहा है? हमेशा सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हमारे मोदी जी ही आएंगे। क्या कहना चाह रही है? मोदी जी आएंगे पक्का, मोदी जी पे विश्वास है हमें। आज इसीलिए पूजा अर्चना की है, भगवान से प्रार्थना की है। हाँ, इसलिए हमने पूजा अर्चना की है विशेष। हर घर मोदी। क्या कहना चाह रही है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। कमल का फूल कभी न भूल, कमल का फूल कभी न भूल। अच्छा, मतलब जो विपक्ष दावे कर रहा है उनसे कोई? विपक्ष क्या है, विपक्ष कौन है, आप बताइए विपक्ष कौन है? कौन है विपक्ष? कोई नहीं है जी, हम तो मोदी को जानते हैं, योगी को जानते हैं। अच्छा, बाकी और कोई नहीं? बाकी और को नहीं जानते। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या लग रहा है, देख रहे हैं पूजा अर्चना की है आपने यहाँ पर? मोदी जी के लिए करी है। अच्छा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, मोदी जी ही आएंगे।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे, विपक्ष को बोलना तक तो आता नहीं, वो क्या आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, विपक्ष को कुछ बोलना नहीं आता, कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। देख रहा हूँ सब लोग हैं, चेहरे की मुस्कुराहट है, बहुत कुछ कह रही है, क्या लग रहा है कि भाई कल मतगणना होगी? जरूर होगी, और मोदी जी का झंडा पूरे भारत में लहराएगा, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत कमी रह गई तो आज वो पूजा अर्चना करके कर दी आपने। सबका साथ मोदी जी का। कल खाटू श्याम से भी अर्जी लगा के आई हूँ कि मेरे मोदी जी जीते कल। अच्छा, खाटू श्याम गए? हाँ, अच्छा। खाटू श्याम में बोल गए कि मोदी जी का जीत होगा कल। मोदी अच्छा, जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी ही आएंगे, पक्का मोदी जी को ही आना है। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया सड़कें बनवाई हैं, टॉयलेट बनवाए हैं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है। अच्छा ठीक है, आ जाता हूँ आपके पास भी। अच्छा, आप रह गए, क्या लग रहा है वैसे कल को देख रहे हैं जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है, क्या लग रहा है? मोदी जी बनेंगे तीसरी बार भी? अच्छा, पक्का पक्का पक्का, हमें पूरा विश्वास है मोदी जी ही आएंगे पक्का। तो देखिए जो तमाम महिलाएं हैं, कैलाश शिव मंदिर है और यहाँ पर पूजा अर्चना ये करती हुई नजर आ रही हैं। विशेष पूजा इन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए की है और भरोसा जता रही हैं कि कोई और है ही नहीं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किए हैं तो ये इस बात को लेकर भरोसा जता रही हैं कि आगे भी इसी तरीके से विकास के काम होंगे। सुरक्षा इनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, और देखिए इसी तरीके से जो मेरठ में जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।